हेलो डियर डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, फार्माकोथेरेपिटिक से चलिए हम मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके आने के मैक्सिमम चांस है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं तीन पार्ट में आपका रहता है क्वेश्चंस, पार्ट ए बी और सी, जहाँ पे आपने देखा होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस वन वर्ड वाले क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर वाले। तो इनको हम बारी बारी से देखते जाएंगे, ठीक है। सबसे इजी है हमारा शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, इट मीन्स वन वर्ड वाले क्वेश्चन, उनको पहले देख लेते हैं। दिया नंबर ऑफ मेडिकेशन एडेड टू NLEM इन 2022, ठीक है। तो NLEM मतलब क्या होता है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, क्या है ये इनका फुल फॉर्म, हो सकता है आपको फुल फॉर्म पूछा जाए। तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो कि 2022 में लाया गया, यहाँ पर कितने मेडिसिन को इंक्लूड किया गया है, ये क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर 34 मेडिसिन्स को लाया गया था 2023 के लिस्ट में, जो आपका नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है। एसेंशियल मतलब बहुत ही उपयोग में आने वाले मेडिसिन्स, ओके। हार्ट अटैक और हार्ट फेलवर इज आल्सो नोन एज, हार्ट अटैक और हार्ट फेलवर को और किस नाम से जानते हैं, ये क्या कुछ है ये पूछा गया है। यहाँ पे CHF दिया है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हाइपरलिपिडेमिया और एंजाइना पैक्टोरिस। तो जब हम हार्ट फेलवर की बात करें तो हार्ट फेलवर या फिर हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, MI जिसको हम कहते हैं, ये भी कहा जाता है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इनको कहते हैं क्या, हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलवर, ओके। नेक्स्ट है ग्रेव्स डिसीज इज एसोसिएटेड विथ, ग्रेव्स डिसीज कहाँ के कौन से पार्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए तो इंसुलिन डिसऑर्डर दिया है, थायराइड डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड नॉन ऑफ दिस। तो ये क्या होगा, ग्रेव डिसीज में ये थायराइड का डिसऑर्डर ये होता है, ठीक है। जो आपका थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे जो आपका थायरोक्सिन की रिलीज होती है ये इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे ग्रेव डिसीज होता है, ठीक है। जब कभी भी ये जो आपका थायराइड हार्मोन है ये इंक्रीज हो जाए तो ग्रेव डिसीज होती है। नेक्स्ट है कौन सी डिसीज इज अ टाइप ऑफ, कौन डिसीज किसे कहते हैं, ये आपका इंफ्लामेटरी बॉवेल डिसऑर्डर्स है। ये क्या है, इंफ्लामेटरी बॉवेल डिसीज, स्टमक में इंफ्लामेशन हो जाती है, इसे कि क्रॉन्स डिसीज कहते हैं, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिगरिंग फैक्टर इन माइग्रेन, ट्रिगरिंग फैक्टर मीन्स इंड्यूस करने वाला, बढ़ाने वाला, उसको इनिशिएट करने वाला, ठीक है। तो ये जो आपका माइग्रेन है, ठीक है, माइग्रेन किन किन चीज़ों से, किन किन फैक्टर से और भी ज़्यादा उत्प्रेरित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रेस है, डार्कनेस है, इंसोमनिया है और जेट लैग दिया है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से, माइग्रेन क्या है, सिर में दर्द ही है ना, सिर में जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है उसे माइग्रेन ही कहेंगे। अब ये जो आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा सोचेंगे, चिंता करेंगे तो भी होगा। इंसोमनिया मीन्स आप रात रात दिन दिन सोएंगे नहीं तब भी जाकर हेड में पेन होगा। फिर जेट लैग, ये क्या होता है पता है आपको, जेट लैग में जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैवलिंग करने के समय आपने देखा होगा कि हर मैक्सिमम लोग सोते रहते हैं, तो इसमें उनका जो डेली का रूटीन है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसके बाद फिर सिर में दर्द होने लगती है, तो ये कुछ शॉर्ट टाइम का रहता है स्लीप डिसऑर्डर, ओके। देन दिया है डार्कनेस, तो डार्कनेस कोई ऐसा रीज़न नहीं है माइग्रेन का, ऐसे अंधेरे वगैरह होने से क्या कोई सिर में दर्द होती है, नहीं ना। तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप यदि सोचेंगे तो ये इजी आपके लिए सबसे था, ठीक है। देन द डिसऑर्डर नोन एज पिंक आई इज, पिंक आई अभी जस्ट आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, इंडिया में ही इतने ज़्यादा केसेस हो रहे थे सभी की आईज में, जस्ट अभी कुछ मंथ पहले की बात है, क्या हो जा रहा था, पूरा आई पिंक हो जा रहा था, ठीक है। ये इन्फेक्शन फैल रहा था, एक के बाद एक में ऐसी केसेस आ रही थी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो स्थिति था कंजक्टिवाइटिस, आई पूरा पिंक कलर का हो जाएगा वो कहलाता है कंजक्टिवाइटिस कहलाता है, ठीक है। और ग्लॉकोमा मतलब क्या होता है, मोतियाबिंद होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो यहाँ पे कंजक्टिवाइटी होगा, आप कंफ्यूज ना होना दोनों में घेरा लगा है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है,
ऑप्शन है विटामिन B12, B2, B6 एंड विटामिन ए। तो विटामिन B12 जो होता है वो आपके क्या है, हीमेटिनिक्स हैं। ये आपने स्टडी किया होगा कहाँ पर, अभी फार्माकोलॉजी में भी स्टडी किया होगा, ठीक है। तो हीमेटिनिक्स मतलब ऐसे ड्रग जो कि क्या करें, ब्लड के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। तो विटामिन B12 होता है वो क्या आपका हीमेटिनिक्स है, और इन्हीं की कमी से ब्लड क्या हो जाएगा, यदि इनकी कमी रहेगी तो ब्लड का सिंथेसिस नहीं होगा, जिससे कि एनीमिया, ये एनीमिया क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाता है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो इसके कारण एनीमिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज COPD स्टैंड फॉर, ये जरूर से फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है, तो इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। सी फॉर क्या, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है, ये लंग का क्या है, डिसीज है, लंग मीन्स फेफड़े का आपका बीमारी है, जहाँ पे क्रॉनिक क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये होता है फुल फॉर्म इसका, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, जो कि है बैक्टीरियल डिसीज, पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे ये बैक्टीरिया से होता है, कौन से बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, किससे होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ठीक है। और दिया जैसे कि आपका ट्रिपनोमा पैलिडियम, इससे क्या होता है, सिफेलिस होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। और नाइसेनिया गोनेरिया से गोनेरिया होता है, ओके, आगे चलें। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन रिफर टू, रैशनल यूज, ठीक है, मीन्स जो इनका सोचा समझा हुआ यूज, क्या कुछ होगा, रैशनल मीन्स सोचा समझा हुआ, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन, जी हाँ, सोच समझ के हम अप्रोप्रिएट मेडिसिन का यूज़ करेंगे। अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन, सही प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जी हाँ ये भी है। अब अप्रोप्रिएट डिस्पेंसिंग, सही से, अप्रोप्रिएट मतलब सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा और सही, ठीक है, सबसे सही होगा आपका ये, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अस्थमा, अस्थमा का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मीन्स किस प्रकार से हम उसको जान पाएंगे, देख पाएंगे, मीन्स कहने का मतलब है कैसे हम जानेंगे, क्या कुछ इसका प्रूफ है कि हाँ अस्थमा हुआ है, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका मैनिफेस्टेशन। तो मैं यहाँ पे देखिए, जब कभी भी ब्रीथिंग शॉर्टनेस हो जाए, मीन्स सांस लेने में कमी हो जाए, और आपने देखा होगा वीजिंग मीन्स क्या होता है, खरखराहट सा लगने लगेगा गले में, तो ये आपका सिम्टोम है किसका, अस्थमा का, ठीक है, तो ये आपके मैनिफेस्टेशन है अस्थमा के। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्लड कैन लीड टू इंक्रीज इन यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ठीक है, जब ग्लूकोज, देखिए एक्सेस ग्लूकोज हो जाए ब्लड में, ब्लड में क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाए, जो कि इंक्रीज करेगा क्या, यूरिन के प्रोडक्शन को, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहा जाता है, क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया इसको कहा जाता है, जब कभी भी ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाए, जैसे कि यूरिनेशन इंक्रीज हो, तो इसको पॉलीयूरिया कहते हैं। हाउ इज सिफेलिस प्राइमरली ट्रांसमिटेड, सिफेलिस अभी मैंने बताया आपको किससे होता है, आपने देख लिया, अब ये किस प्रकार से ट्रांसमिट होता है, एक दूसरे में किस प्रकार से फैलता है, तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, ठीक है, ये सभी क्या है आपके STD, ये जो आपके सिफेलिस होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में आते हैं, और इनसे जरूर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पेप्टिक अल्सर डिसीज प्राइमरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी, कौन से पार्ट को पेप्टिक अल्सर क्या करता है, अफेक्ट करता है, तो ये जो आपकी पेप्टिक अल्सर है दो चीज़ों पर मेनली अफेक्ट करते हैं, आपका स्टमक और डियोडिनम, ठीक है, पेप्टिक से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, ये क्या है, पेप्टिक मतलब आपके स्टमक का एरिया, ठीक है, तो ये होता है मेनली पेप्टिक अल्सर किस में, तो आपके स्टमक में और डियोडिनम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते जाते हैं, द पेन एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज, मेंस्ट्रुएशन के टाइम आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, पेन मीन्स जैसे कि मेनली आपके स्टमक में पेन, बॉडी पेन में होता है, तो उस पेन को क्या कहा जाता है, तो इसको हम डिसमेनोरिया कहते हैं, ठीक है, डिसमेनोरिया इसको कहा जाता है, जब कभी भी मेंस्ट्रुएशन के टाइम में बहुत जो पेन होती है इसे।
नेक्स्ट है द कॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। इस मलेरिया किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से, ठीक है। तो ये जो पैरासाइट है, जो मॉस्किटो पैरासाइट है, किसे होता है? प्लाज्मोडियम, जो कि है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये सभी इन्हीं के स्पीसीज हैं जिनसे मलेरिया होता है। नेक्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन मीन्स भ्रम में, कहते हैं ना ये माया जाल है। तो माया जाल क्या होता है? एक प्रकार का फॉल्स बिलीव, ठीक है, झूठा विश्वास, है ना। तो डिल्यूजन मीन्स क्या होता है? भ्रम में रहना, ठीक है, माया जाल में रहना। तो यही क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर आएगा ऑप्शन। देखिए फॉल्स और ट्रू दिया है तो फॉल्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। फॉल्स बिलीव करना, झूठा विश्वास करना, डिल्यूजन में, भ्रम में रहना होता है, ठीक है। एनीमिया इज कैरेक्टराइज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो आप सभी जानते हैं ब्लड की कमी से। ब्लड क्या में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा? एनीमिया होता है। नेक्स्ट है सोरिएसिस इज अ क्रॉनिक डैश डिसऑर्डर। यहाँ पे है इंफ्लामेटरी और रेस्पिरेटरी। तो सोरिएसिस में क्या होता है? इंफ्लामेशन होता है, मेनली स्किन का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे इंफ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। हाइपरलिपिडेमिया रिफर टू एलिवेटेड लेवल ऑफ। हाइपरलिपिडेमिया में क्या होगा? ग्लूकोज दिया है और लिपिड दिया है, तो ब्लड में लिपिड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, इसे ही हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं। हाइपर मीन्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाना, ज़्यादा, ठीक है। और यहीं पे हाइपो मीन्स डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। जब अमाउंट किसी चीज़ का इंक्रीज हो जाए तो उसे हम हाइपर कहते हैं, ठीक है, और जब कम हो जाए तो उसे हाइपो कहा जाता है। और लिपिड तो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? लिपिड का लेवल जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसे हाइपरलिपिडेमिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान देंगे। अब बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें लॉन्ग क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके फार्माकोथेरेपेटिक में आपने देखा होगा कि मेनली आपको एटियोलॉजी, इनके मैनिफेस्टेशंस, सिम्टोम्स, यही मेनली पढ़ने होते हैं, ठीक है। जो आपने जब कभी आप फार्माकोथेरेपेटिक स्टडी करते होंगे, आपको ज़रूर से लगता होगा कि हम फार्माकोलॉजी कर रहे हैं, बस इसमें एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या होता है कि कोई भी बीमारी हुई है तो इसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से, कैसे, ये कौन सी बॉडी में इफेक्ट डाल रहा है, ये पूरी प्रोसेस को ही जानना, मेन मैकेनिज्म को, यही कहलाता है एटियोलॉजी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सभी का मेनली एटियोलॉजी तो आपको जानना होगा यहाँ पर, तभी तो, जैसे कारण कहते हैं ना, कारण नहीं जानेंगे तो निवारण कैसे करेंगे। तो यही कारण, किस प्रकार से होता है कोई बीमारी, ये आपको फार्माकोथेरेपेटिक में देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन से एक्सप्लेन द रैशनल एंड इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मीन्स जो आपका तर्क लगाकर किया हुआ यूज और बिना तर्क के यूज में क्या होता है, ये एक्सप्लेन करने को बोला गया है, ठीक है। देन है डिस्क्राइब द एटियोलॉजी, देखा क्या था ना, एटियोलॉजी मेन पूछा जाता है, पैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है तो इसमें आप क्या लिखेंगे? एटियोलॉजी मीन्स ये हाइपरटेंशन कैसे होता है, तो बीपी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो बीपी कैसे इंक्रीज होता है? तो आपका जो यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो ये आर्टरी जो दबाव डालती है ब्लड में, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो यही क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर, ठीक है। जब कभी जो आपका आर्टरी है वो क्या हो जाए, इसका जो समझ लीजिए इस प्रकार से पाइप है वो बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ जाए, तो अब प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो यही क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर है कहलाता है, इससे हाइपरटेंशन होता है। तो कौन कौन से मेडिसिन यूज़ करेंगे? फार्माकोलॉजी में आपने देखा होगा कि वैसोडाइलेटर्स हम यूज़ करते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, फैल जाए, ये जो आपकी आर्टरीज हैं, जिससे कि आसानी से ब्लड पास हो सके, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इनका हो सके, कोई ज़्यादा प्रेशर ना हो। साथ ही साथ क्या करेंगे? डायूरेटिक्स ऐड करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं। तो इनको आप लोग यहाँ पर इनलिस्ट करके अच्छे से लिखेंगे। डिस्कस अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज। अब ये क्या है? आपके CNS का डिसऑर्डर है, ठीक है। तो पार्किंसन डिसीज में कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं? लियोडोपा को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लियोडोपा को लिखना है, लियोडोपा के बारे में, डोपामिन जो प्रिकर्सर्स होते हैं वो यहाँ पर यूज़ में आते हैं, आपका फार्माकोलॉजिकल हो गया। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या कुछ बिहेवियर चेंजेस वगैरह करनी होती है अपने डेली रूटीन में, ये सारी चीज़ों को नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में लिखना होता है, क्लियर। आगे चले, राइट अ नोट ऑन एटियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम।
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन से पहले का जो एज होता है वहाँ पर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होती हैं, पेन वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो आपको लिखना है किस प्रकार से जो बॉडी है उनका भी ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एटियोलॉजी और मैनिफेस्टेशन से, कैसे मैनिफेस्टेशन मीन्स क्या होता है, कैसे ये जो आइडेंटिफाई करेंगे सिंड्रोम है ये एग्जैक्टली इस डिसीज को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन होगा, ठीक है। डिस्क्राइब द एटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। अब डायबिटीज किस प्रकार से होता है, तो देखिए दो टाइप के होंगे आपके, डायबिटीज वन और डायबिटीज टू, ठीक है। तो डायबिटीज वन ये जो होता है आपका डायबिटीज वन, ये इसमें क्या होता है, यहाँ पे इंसुलिन की ही कमी हो जाती है, तो हमें इंसुलिन देना होता है, ठीक है, जब इनके ट्रीटमेंट में। सेकंड में क्या होगा, इंसुलिन तो है, इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, बट हमारी बॉडी ही रिस्पॉन्स ना कर पाए इंसुलिन के लिए, रेसिस्टेंस हो जाए, ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो तब हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रग देंगे जिससे कि इंसुलिन का एक्शन हमारी बॉडी में हो। तो इस प्रकार से एटियोलॉजी और इनके मैनिफेस्टेशंस को लिखना है डायबिटीज़ के। नेक्स्ट है डिफाइन COPD, जिसका भी फुल फॉर्म भी था क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसका आपको इटियोपैथोजेनेसिस लिखना है एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिखना है COPD का, ठीक है। नेक्स्ट चले डिफाइन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI, ठीक है, UTI के बारे में लिखना है। देन एक्सप्लेन द इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ UTI, ठीक है, UTI कैसे होते हैं और इनका किस प्रकार से सिम्टॉम होता है जो कि पता करेगा जिससे कि UTI हुआ है, मैनिफेस्टेशन मीन्स मेनली सिम्टॉम कह सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आइडेंटिफाई हो कि ये जो डिसीज़ हुई है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर में, कुछ क्वेश्चन आप देखिए शॉर्ट आंसर में जो कि आपके हो सकता है लॉन्ग में भी पूछा जाए, जिसके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, तो ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ पर आपको फार्माकोथेरेपेटिक के बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जो आपके शॉर्ट आंसर वाले में पूछे जाएंगे, तो फार्माकोथेरेपेटिक को ही डिफाइन करना है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए लिस्ट द स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक, जो स्कोप है फार्माकोथेरेपेटिक के क्या कुछ स्कोप है ये भी यहाँ पे आपको बताना है। तीन तीन लाइन आप लिखिएगा क्योंकि तीन ही नंबर के हैं, पहले फार्माकोथेरेपेटिक को डिफाइन करिए, तीन इसके स्कोप बता दीजिए बस, ठीक है। एक्सप्लेन द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया लिपिड का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो इसके हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं, तो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ये आपको यहीं पर लिखनी है। क्लियर है आप सभी, यही कहलाएगा इटियोपैथोजेनेसिस, किस प्रकार से ये हो रही है, जेनेसिस मतलब किसी भी चीज़ का स्टार्ट होना, कैसे हुआ, ठीक है। चलिए राइट डाउन द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन, अब माइग्रेन में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं फार्माकोलॉजिकली, तो ये आपको लिखना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं माइग्रेन की ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा आपका जो इरगोट से ऑप्टेन होने वाला जो ड्रग है इर्गोमेट्रिन वगैरह यूज़ में आते हैं, ठीक है, इरगोटामिन है ये। अब डिफाइन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है ये आपको डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। ब्रीफ अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वही सिम्टॉम्स को लिखने हैं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन SARS, ठीक है, ये क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको नोट बनाकर लिखना है क्या कुछ रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होते हैं एक्यूट, ठीक है। एक्सप्लेन द इटियोपैथियोजेनेसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जहाँ पर क्या होता है बोन, ये मेनली बोन हो गए, इनमें क्या होगा कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो आपकी बोन इस प्रकार से जैसे कि है तो वो अच्छे से मजबूत नहीं रहते, कैल्शियम की कमी हो गई है तो इस ये ऑस्टियोपोरोसिस किस ऑस्टियोआर्थराइटिस किस तरीके से होता है ये आपको लिखना है। डिस्कस द एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, एंटीमाइक्रोबियल जो रेसिस्टेंस हो रहा है वो क्यों होता है, मैकेनिज्म में रेसिस्टेंस है, मेटाबोलिकली रेसिस्टेंस है, तो ये एंटीमाइक्रोबियल का रेसिस्टेंस क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा ही लिखेंगे ज़्यादा नहीं। क्रॉन्स डिसीज, अभी आपने देखा कि इंफ्लामेटरी बाउल डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में लिखना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर छोटा छोटा आप लोग इनका डेफिनेशन लिख लेंगे, दो ही चीज़ें दी गई हैं, हो सके तो इनका जो मैनिफेस्टेशन है वो भी लिख दे जाइएगा तो और भी अच्छा नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी किस प्रकार से होता है और इनका ट्रीटमेंट, ठीक है, एंजाइटी में यूज़ होने वाले जो ड्रग है उनके बारे में यहाँ पे लिखना है, फार्माकोलॉजी में आपने इसको स्टडी किया ही हुआ है,
ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, राइट अ नोट ऑन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस। अभी जस्ट जो आई पिंक कलर हो जाता है, ये आपका क्या कहलाता है, कंजक्टिवाइटिस। तो आपने देखा कौन कौन सा ड्रॉप अभी यूज़ किया जा रहा था, एंटी माइक्रोबियल्स यूज़ करे जा रहे थे, ड्रॉप वगैरह, तो आपको फार्माकोलॉजी लिखना है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। देन उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या कुछ रहता है, किस प्रकार से आप जैसे आई है उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखें, तो गॉगल वगैरह लगा के रखें जिससे कि क्या हो जाए, ट्रांसमिट ना हो दूसरे से, साथ ही कैसे क्लीन करके रखना है आईज को, ये सारी चीज़ें नॉन फार्माकोलॉजिकल में आएंगी। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया क्या होता है, जब कभी भी मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, तो जो पीरियड होता है उस टाइम में जो पेन होता है उसको हम डिसमेनोरिया कहते हैं, तो इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स बनाकर लिखना है कि क्यों होता है और क्या कुछ पेन होती है, उनका रिलीफ किस प्रकार से किया जाता है। लिस्ट द एडवांटेज एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, जो एडवांटेज लिखना है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस का, क्या कुछ हमें फ़ायदा होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस रहेगी तो जो किसी प्रकार की साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट है ये भी नहीं होगा, और क्विक फास्ट जो रिस्पॉन्स है वो मिलेगी जिससे कि ईजली से डिसीज है उसका ट्रीटमेंट होगा और जो पेशेंट है वो हेल्दी रह पाएगा। तो इस प्रकार से इनलिस्ट करना है आपको एडवांटेज क्या कुछ रहने वाले स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख कर जाइएगा, साथ ही साथ इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, मीन सॉल्यूशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो आपके सुपर 20 एंड लॉन्ग 10 क्वेश्चन, जो टॉप 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर वो पीडीएफ में इन सभी के एक्सप्लेनेशन भी सॉल्यूशन भी मिल ही जाएंगे, तो उनको एक बार जाकर जरूर से रीड कर लीजिए जिससे कि आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और इनसे क्वेश्चन आने के चांस है, तो इसे मिस नहीं करना। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो रिक्वायर है डी फार्मेसी की प्रिपरेशन के लिए तो आप जरूर से कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, ऑल दी बेस्ट।